अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वकास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कार से आते। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। तो जी शॉप आप देख के समझ गए होंगे कि हम कहां पर आएँ। तो जी हम आ गए सईद भाई के पास। सईद भाई बिजी लगे हुए हैं। तो जी आज हमारी गाड़ी में हम एसी कोशिश करेंगे इसका सेट करवाएँ यार, क्योंकि एसी इसका सही नहीं। और आपको पता है हमारे सेंध की जो गर्मी है ना वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की है। तो जी सईद भाई ने शॉप भी चेंज कर ली है, बोर्ड आपको दिखा दिया है, बाकी लोकेशन सईद भाई से पूछ के आपको बता देंगे। ठीक है, सेम लोकेशन है, सिर्फ थोड़ी सी आगे चली गई है। तो जी इसकी सूरत हाल ये है कि इसके अभी देखें कि क्या क्या इसमें मसला निकलता है, फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे साथ साथ। तो जी फाइनली हमारी बारी आ चुकी है। अब ये गाड़ी हमने खड़ी कर दी है ला के। तो अभी ये अपने जो सामान वामान तैयार कर रहे हैं असला वसला चलाने के लिए। अपनी गाड़ी को आग लगा दी यार, क्या चक्कर हो गया? ये पसंद नहीं आई हमारे को यार। ऐसे नहीं करो, गरीबों की चीज़ें तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं आती है। कैश लेते हो क्या, उसका हिसाब किताब होता है या वैसे आम बंदा जा उसको क्या मिलती है? प्रेशर दे रहे हैं ना, ये के खोदा पहाड़ और निकला टूटा हुआ फ्लोर है। तो इसकी हालत देख लें, ये मुझे लग रहा था किसी ने गत्ता लगा के जुगाड़ किया हुआ है ना, पाकिस्तानी जुगाड़ी वैसे ही वास्तव। कितना गंद इसके अंदर बता, चौक हुई है, फुल चौक हुई पड़ी है। फिटिंग हो रही है ना अभी रही है। सीन ये कि बेल्ट ने ना बड़ा सलील कर दिया, बेल्ट मिल नहीं रहा और टूटा हुआ है, तो पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं। अभी कोशिशें चल रही हैं, अल्लाह खैर करे कामयाब हो ही जाएंगे हम लोग। दानियल क्या करो, दानियल बताओ, अभी इसका लीक चेक करें, दुआ कर बड़ा बिल नहीं फटे। हंस रहा है लड़के, सीरियस कह रहा हूँ भाई। तो जी फाइनली हमारी जलालत से जान छुट्टी है, बेल्ट ला ला के मेरी तो हालत बुरी हो गई। तो फाइनली अभी थोड़ी सी खुशखबरी मिली है, लग जाएगा सईद भाई। अगर अभी नहीं लगा ना खुदाई का, तब मैं नहीं जाऊंगा सईद। 10 की टी लागे तो ओए 10 की टी। आपके भाई के साथ हो गया सीन, कल सारा दिन जलालत वाला काटा, सुबह 11 बजे गया हूँ, रात को 12 बजे आया हूँ। एंड टाइम पे जब फिट करने लगे तो पता लगा जी कंप्रेसर का जो है उसका काम उतर गया जी। कैसे उतर गया भाई, प्रेशर दे रहे हैं तो प्रेशर बिल्कुल मेंटेन है, लेकिन जो वैक्यूम है वो उसका जो है वो कंप्रेसर में एक होती है पिस्टन, उसका वॉशर जो होती है वो ख़राब थी, जिसकी वजह से वो कह रहा था कि भाई रिस्क है कि अगर आप लोग गैस डालना चाहते हो डाल लो, लेकिन कोई 20% में चांस है कि हो सकता है हो जाए। तो भाई जलालत है, अभी सुबह फिर दोबारा भी जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे, देखते जो भी हो। सीन ये है कि दोबारा आ चुके हैं, कल वाली जलालत दोबारा से भुगतनी पड़ रही है। अभी हम इसका कंडेंसर खोल रहे हैं, हालांकि है तो ठीक, लेकिन ये है कि कंप्रेसर जो है हमें नया डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि कंप्रेसर लेके आए और उसकी जाली भी ख़राब निकले, फिर डबल काम हो जाएगा, क्या ख्याल है? तो इसलिए हम लोग पहले जाली खोल रहे हैं, उसको चेक करेंगे, प्रेशर देंगे कि ओके की रिपोर्ट है, फिर हम कंप्रेसर नया ले गएंगे। सीन ये है कि बड़ी जलालत के बाद हालत आप देख लो, नवाब शाह की गर्मी आपको वैसे ही पता है। तो भाई आखिरकार रुलते रुलते मैं और दानियाल पहुंच गए मुर्शिद कार एसी पे। मुर्शिद नाम ही है ना सर जी? तो भाई इनके पास कंप्रेसर मिल गया है, लेकिन इसमें क्या मसला है जरा थोड़ा बता, उसका क्या है? इसका कोई इशू नहीं है, इसका इशू ये है कि वो ओरिंग में लगा हुआ है और ये बोल रहा है कि ओरिंग में नहीं है, फ्लेयर में है। अच्छा, ये फ्लेयर है और वो फ्लेयर है। तो भाई कह रहे हैं वैसे तो हम कोई वारंटी नहीं देते, लेकिन यार आप एक सोशल मीडिया से हो तो ये कि मैं आपको कुछ वारंटी देता हूँ 2-3 दिन 4 दिन की ना। तो अब देखते हैं भाई से सीन बनता है या नहीं, लेकिन ये है कि यार भाई का अखलाक जो है ना वो एक नंबर है, और मैं आपको यही मशवरा दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अगर आप भी काम करवाना चाहते हैं तो सकरन रोड पे तो आप भाई के पास भी आ सकते हो।
ये सीन ये कि भाई से हमारा जो है तकरीबन सौदा हो चुका है, बिल बना रहे, बिल हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि हर दिन का रेट अलग है, ऐसे ही ना। तो भाई का नाम क्या है, आपका नाम क्या है? उमेर, उमेर अली। तो भाई उमेर भाई का अखलाक भी जो एक नंबर है, तो बंदा जो है ग्रेट है, तो भाई को सपोर्ट करें और जब भी आए दुकान पे तो हमारे चैनल का ज़रूर बताएं ताकि उनको पता लगे कि हमारी कितनी फैन फॉलोइंग है। अरे को हमारी गाड़ी गंदा बच्चा दे दिया ना, हालत देख यार इसने बहुत जलील किया हमारे को ना, इसने दिन में तारे दिखा दिए सही ऐसे ही ना। और अभी निकलते हुए भी बड़ी मुश्किल से निकला है, बड़ा परेशान करके निकाला है। अभी देखते हैं इसको करते हैं क्या करते हैं। वाले कंप्रेसर का जो सिस्टम है वो इसके ऊपर लगाया जाएगा क्योंकि इसकी टोपी इसके सर पहनाएंगे, इसकी और इसकी जो पुली है इसमें बड़ा फ़र्क है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये पीछे वाले भी चेंज होंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद रिपोर्ट हो जाएगी। तो देखते हैं, अभी सईद भाई मेहनत कर रहे हैं। जलालत एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ये दिमाग जो है ना इसकी होगी नहीं। तो अभी लास्ट देख रहे हैं, अभी अल्लाह खैर करे, कोशिश है कि अभी नहीं होगी कोई मसला, अगर हो गया तो फिर अल्लाह मालिक है। सईद भी बेजार हो गया और मैं भी बेजार हो गया, हम किसी से बेजार नहीं होते। लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कार थेरेपी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मज़ेदार अपडेट्स मिलती रहे। तो भाई सीन ये है कि आपका भाई इस टाइम गाड़ी में बैठा है और दो दिन से मुसलसल जलील हो रहा है एसी के लिए। पहले दिन तो ये सीन हुआ था कि भाई एसी बनवा लिए, सब कुछ एक्यूरेट, सिर्फ एक गैस का पाइप लीक था वो किया, सर्विस किया और ओके की रिपोर्ट। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे तो भाई जब गैस भरने लगे तो पता लग रहा वैक्यूम का इशू है। फिर अब क्या करें भाई, तो फिर भाई अगले दिन भाई ने कंप्रेसर नया पता किया, तो भाई वो तो बड़ा एक्सपेंसिव जा रहा था भाई, तो इसलिए फिर आपके भाई ने जो है काबली कंप्रेसर लेकर जेन्युइन उसमें अल्ट्रेशन करवाई। तो पूरा एक दिन लग गया करते 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 करते, रात तकरीबन 10-11 बज गए जी। जब दोबारा फिट किया, बेल्ट चढ़ाया तो ये लाइन आउट है। आए हाय, अब आप सोच सकते हैं कि दो दफ़ा जब बंदा जलील हो तो तीसरी दफ़ा बंदे का क्या दिल करता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल करते कराते आपके भाई ने सब्र किया, बीच में आ गया जुम्मा, जुम्मे के बाद आज हफ्ते का दिन है और आज हम जा रहे हैं। दुआ करते हैं कि हमारी ये लाइन वाला मसला जो ये सेट सीधा करके। सीन ये है कि उस्ताद के पास आए थे तो उस्ताद तो बड़ा नहीं मिला लेकिन रियाज भाई मिल गए। तो रियाज भाई को हमने, रियाज भाई समझ आ गई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, नीचे करो, रियाज भाई समझ लग गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इसकी लाइन है ना, लाइन आउट है ना, लाइन आउट है बस। बेल्ट चढ़ा रहे ना तो इस ये थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो ये जो इसकी जो ये है ना नट, इसको अपन ने एडजस्ट देना है, ये वाले नहीं नीचे वाले ना, प्लेट प्लेट में, हाँ ये नीचे वाले ना, खांचे देने पड़ेंगे ना, हाँ खांचे देने पड़ेंगे। और ये उस्ताद वाले भी हमारा वो फाउंडेशन वाला पूरा खोल रहे हैं तो उनको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, ये खोलने अच्छे तरीके से बाहर निकालेंगे फिर आपको बताएंगे कि क्या सीन बन रहा है और किसकी वजह से इशू आ रहा है। तो जी फाइनली दोबारा हमारा कंप्रेसर निकल आया, अब इसकी जो है वो फाउंडेशन निकली, उस्ताद ने जो है ऑपरेशन करके निकाल दिया जो उसका कीड़ा था। उसका पहले थोड़ा सा हमारे सर लेकर रिवर्स को हम समझा दें कि ये कि इसको हम थोड़ा सा खांचा करेंगे, खांचा देंगे ताकि ये एडजस्ट। बड़े उस्ताद दुकान पे आ चुके हैं और उस्ताद ने बोला है कि भाई इसमें सुराख ही निकलेंगे, उसके अलावा कोई हल नहीं है इसका। उस्ताद काम कर रहे हैं कि आते हैं। और सीन ये है कि भाई उस्ताद वाले फिट कर रहे हैं, सेटिंग वेटिंग हो चुकी तकरीबन, लगे पड़े हैं अल्लाह खैर करे। दुआ है कि अभी हम बेल्ट चलाएं तो हमारा काम एक बन हो जाए, नहीं तो भाई बहुत जलील हो गया आपका भाई है ना फिर चक्कर के अंदर। सीन ये है कि उस्ताद ने बोला ओके की रिपोर्ट हो गई है और माशाल्लाह उस्ताद ने काम ए बन कर दिया है। उस्ताद आपने भी गाड़ी बेचनी है ना अपने वाली? तो जी उस्ताद के बेटे से मिलके वीडियो बनाएंगे, फिर अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप मतलब कि उससे रब्ता कर सकते हैं, गाड़ी बिल्कुल एक नंबर है। सीन ये है कि फ़िलहाल सब फिटिंग वगैरह हो चुकी है, पंखा वगैरह भी लग गया है, कंप्रेसर बेल्ट वगैरह, ये नट टूट गया था ये हमने दोबारा लगा दिया है।
और इसकी सेटिंग थोड़ी सी आउट थी, ये भी ओके कर दी। नीचे वाली फाउंडेशन रबड़ की वो नहीं लगेगी, बाकी उसके बाद अब जैसे लाइट आएगी तो प्रेशर देगी, चेक करेंगे उसका गैस भरेंगे, तो इंशाल्लाह फिर ओके की रिपोर्ट आएगी। दो दिन की जलालत के बाद अब दोबारा इसमें गैस भरी जा रही है और देखते हैं अल्लाह खैर करे। सही से गैरत आई है नहीं गाड़ी को? हाँ अभी हल्की फुल्की दिखा रही है, गैरत दिखाएगी इंशाल्लाह। फाइनली ठंडी हवा का झोंका मिल गया है। और सही भाई ये ठंडी हवा लगते है इंसान के चेहरे पे खुशी आ जाती है, क्या ख्याल है? सही बात है, कोई शक नहीं। लेकिन भाई इसमें मैं तो जलील हुआ हूँ बिल्कुल, लेकिन सईद भाई ने भी हमारा बड़ा साथ दिया है और मुझे दिलासा ही दिया है कि यार कोई बात नहीं हो जाएगा। काफ़ी दफ़ा मेरा दिल भी टूटा लेकिन इसने बोला नहीं यार हो जाएगा विकास, तो टेंशन नहीं ले, छोटा सा काम है यार हो जाएगा। तो अगर ऐसा बंदा भी आपको मिल जाए ना तो उसकी भी कदर करनी चाहिए इंसान को। तो फाइनली अपने भाई के चेहरे की खुशी चेक करो, अल्हम्दुलिल्लाह एसी हमारा A1 हो चुका है और फ़िलहाल जान छुट गई है, इंशाल्लाह आगे भी छुट्टी रहे तो अच्छी बात है। तो फ़िलहाल जो है अभी हम एसी के मज़े लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जी फाइनली अबू जान आ गए हैं एसी चेक करने। अबू जान एसी चेक करने आए हो? तीन दिन जलील हुआ हूँ। ओके पास है। तो जी मेहनत फसल सफल हो गई, फसल गहरा था, अब्बा को पसंद आ गया। शादी अच्छा है।